अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज के इस DIY में मैं आपको 13 ईयर बेबी के लिए ओपन गाउन, यानी कि इसे आप शर्ट भी बोल सकती हैं, गाउन भी, टेल वाला, बैक साइड से टेल होगी, ये पुराने दुपट्टे से मैं आपको आज बहुत ही इजी मेथड से आपको ओपन गाउन की कटिंग दिखाऊंगी। ये मैंने पहले दोनों साइड से इसकी ये स्ट्रेट पट्टी उतार ली है, क्योंकि कटिंग के टाइम ये तंग करेगी। तो ये इसकी हम तकरीबन टोटल लेंथ लेंगे फ्रंट पीस की 24 इंच, क्योंकि जो कपड़ा बचेगा बाकी वो हम बैक साइड की टेल लॉन्ग करेंगे, तो इसलिए हम फ्रंट 24 इंच लेते हैं। व्यूअर्स, हम इसको जो हमने आपको बताया है फ्रंट हम शॉर्ट ले रहे हैं, तो इसमें हम ऊपर की तरफ छोटी सी बॉडी लगाएंगे तकरीबन 9 इंच की, क्योंकि ये हमारा फ्रंट बॉडी वाला होगा, बैक स्ट्रेट होगी। तो इसके लिए जो मैंने निशान लगाया है ये हमने बॉडी का, और जो हमने अलग से पीस करना है उसका निशान लगाया है। तो इसी में मैं आर्म होल, नेक लाइन आपको इसमें निशान लगाकर दिखाती हूँ। आज हम शर्ट के साइज के हिसाब से आपको तमाम चीजें दिखा रहे हैं। व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपको इसमें रखकर दिखाया है बॉडी के साथ, ये फ्रंट हमारे ओपन होंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फ्रंट हमारे ये ओपन है, इसमें हम ये स्ट्रेट पट्टी लगाएंगे जो हमने दुपट्टे से उतारी है। तो व्यूअर्स, जो हमने ये साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा किया है ये हम कट कर लेंगे आर्म होल और फिटिंग के बिल्कुल साथ, जैसे एक एयरलाइन कमीज की कटिंग करते हैं, नीचे तक स्ट्रेट लाइन लगाते हुए ऐसे जाएंगे कि हमारी ये टोटल कमीज की कटिंग ऊपर की बॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, और सेम इसी मेजरमेंट के साथ आपने ऊपर से बॉडी की वेस्ट और नीचे के शर्ट की वेस्ट सेम एक जितनी रखनी है, ताकि फिटिंग के टाइम ये एक जैसी लगे और नीचे से एयरलाइन। इसी तरह नेक लाइन हमने थोड़ी सी डीप रखी है, क्योंकि ये हमारा गाउन है ओपन, तो आप इसकी नेक लाइन फ्रंट की थोड़ी सी डीप रखें, तकरीबन 3 इंच आपने विड्थ ली है हमने, सॉरी व्यूअर्स, और 4 इंच के करीब या 3.5 के करीब हमने इसको डीप किया है। तो व्यूअर्स, इसकी अब साइड से हम कटिंग करते हैं। व्यूअर्स, जिस तरीके से मैंने फ्रंट कट किया है सेम उसी मेजरमेंट के साथ मैंने बैक साइड के ऊपर इसकी बॉडी को और इसके नीचे के पीस को, जो ओपन पीस है यानी कि गाउन का, वो इसके ऊपर आपने इस तरीके से सेट करना है, क्योंकि हमने कटिंग सेम इसी मेजरमेंट की ऊपर से करनी है और नीचे से टेल बनानी है। तो वो हम बाद में टेल नीचे से 10 या 11 इंच करेंगे, लेकिन आप इसका निशान सेम इसी मेजरमेंट के साथ लगाएं, ताकि हमारी फ्रंट और बैक की ऊपर की कटिंग सेम हो। तो बैक साइड का गला आप इसका छोटा रखें, सिर्फ फ्रंट का आप नेक लाइन बड़ी रखें। व्यूअर्स, इसकी जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई है वो आपने सेम इसी तरह रखनी है बॉडी की और ऊपर से,
और उसके बाद नीचे से आप, मैं आपको ऊपर कर कर दिखाती हूँ व्यूअर्स, ये देखें आप इसी तरीके से आप नीचे से 10 या 11 इंच की टेल रख सकते हैं। बड़ी रखना चाहें तो बड़ी भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 13 एयर बेबी की है तो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तकरीबन हम 10 या 11 इंच की रखकर नीचे से राउंड शेप ऐसे देंगे जैसे एप्पल शर्ट की हम कटिंग करते हैं। बैक साइड हम एप्पल शर्ट की तरह कट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टेल की तरह हमारा गाउन लगेगा और बड़ा ही प्यारा लगेगा। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से टेल जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन बेबीज की लेंथ के मुताबिक रखें, ना कि उसके पाँव से नीचे जाए। तो इसलिए व्यूअर इसकी कटिंग बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी। अब मैं कटिंग करती हूँ। फ्रंट की हमने आर्म होल की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग करनी होती है, सिर्फ गाउन की, बॉडी की। ये व्यूअर्स अब देखें, ये हमारे ओपन गाउन की, टेल वाले गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी कटिंग के बाद जो मैंने इसमें शर्ट का कपड़ा, यानी जो हम इसके अंदर शर्ट पहनेंगे, वो जामावार फैब्रिक है, हम उसकी शर्ट के बचे हुए कपड़े से इसके अंदर, यानी ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ इनर लगाएंगे, चाहे पाइपिंग लगाएंगे, उससे ये हमारे गाउन की खूबसूरती बढ़ जाएगी राउंड शेप में और फ्रंट साइड पर और आर्म होल में। इसी तरह हम नेक लाइन में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा, आप मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इसकी जो तिरछी हम कपड़ा लगाएंगे, उसकी कटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस कपड़े को कैसे तिरछा करके कट करते हैं ताकि पाइपिंग हमारी नीट लगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने तिरछी पट्टी कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हमने जोड़ देने हैं जैसे कि रखे हैं। तिरछी तिरछी आपने सिलाइयां लगाकर इसको एक बहुत बड़ी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। और तमाम गाउन में सिवाय ओपन के, क्योंकि ओपन जहाँ से हिस्सा हमने रखा है वो हम वो पट्टी दिखाएंगे जो दुपट्टे से उतारी है। और बैक साइड पर हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे, इसके पीछे के बैक साइड पर, यानी कि टोटल फ्रंट पर। चाहे तो आप लगा लें, चाहे आप पट्टी लगा लें, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह आर्म और नेक लाइन में लगाने के बाद इसकी स्टिचिंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। बहुत इजी स्टिचिंग है, इसमें कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, आपने आम तरीके से इसको स्टिच करना है। तो इसकी असल लुक आपको मैं स्टिचिंग के बाद दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये कंप्लीट यानी मुकम्मल होकर बहुत ही प्यारा लग रहा है। लॉन्ग साइड इसकी, यानी कि जो बैक साइड है वो लॉन्ग है, फ्रंट पर हमने आपको बताया था शॉर्ट पीस लगाए हैं। और ओपन यानी कि इसको हमने बनाया गाउन को, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। जो दुपट्टे के आगे से पट्टियाँ उतरी थी वो हमने ऐसे फ्रंट पर लगा दिया ओपन शक्ल में। और अंदर जो शर्ट पहनी जाएगी वो जामावार की है, एयरलाइन।
तो व्यूअर्स, ये स्टिचिंग होकर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने आपको इसको मुकम्मल करने के बाद कहा था, इसकी आपको लुक दिखाऊंगी। ये देखें, ऊपर की योक बगैर, यानी कि बाजुओं के बगैर स्लीव्स के है, और अंदर की शर्ट में स्लीव्स लगे हुए हैं। बहुत इजी मेथड के ज़रिए मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई है, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मेरे फेसबुक पेज खुशी मकबूल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक हम सब की दुआएँ कबूल व मंजूर फरमाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।